हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेगनेंसी, मगर आपको योनि या प्राइवेट पार्ट में पेन होता है तो इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसका इलाज होता है। तो देखो, प्रेगनेंसी में होने वाले किसी भी दर्द को हम जो है सीरियस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम डॉक्टर की विजिट बहुत बार करते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको इजीली हो जाता है डॉक्टर की विजिट करना, बट कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो लाइक विलेज से बिलोंग करती हैं या जहाँ पे आसपास में कहीं एक अच्छे डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर वो जा नहीं सकती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। तो आज मैं प्राइवेट पार्ट में जो पेन होता है उसका आपको स्ट्रेस के बारे में बताऊंगी, मतलब आपको जो स्ट्रेस है उसको दूर करूंगी कि आपको बेफालतू ऐसे ये होने के बाद आपको दिक्कत नहीं लेनी चाहिए, और इसका क्या कारण होता है, क्यों होता है, और बेसिकली आप घर में ही इसका क्या इलाज कर सकते हैं, और कब ये सीरियस होता है कि जब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए बिना समय बात करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए पहले कारण डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आपको जो है पेन योनि में बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो सबसे पहले है योनि में ब्लड फ्लो लेवल बढ़ना। जब बच्चे का विकास अंदर होने लगता है तो उस टाइम कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिसके चलते आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं कैलकुलेटिव वे में बात करूँ तो आपकी बॉडी में अगर अभी 1% ब्लड सर्कुलेशन लेवल हो रहा होगा तो प्रेगनेंसी के टाइम वो 3% हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है पैल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा कुछ चलने का या फिर कुछ एक्टिविटी होने का महसूस होता है, जिसकी वजह से आपके पैल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो वो होती है आपकी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझा सकूँ, तब भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं और इजी वे में कोशिश करूँगी कि आपको जो है इजी वे में सिखा सकूँ। तो सेकेंड है आपका एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। देखो, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो होती है, ये आपका नीचे का पैल्विक एरिया है, यहाँ पे आपकी ओवरीज होती हैं, आपकी ओवरीज में बच्चा ना बनकर ये फैलोपियन ट्यूब में बच्चा पलने लगता है, बढ़ने लगता है, विकास होने लगता है, जिसकी वजह से आपके पैल्विक एरिया में पेन होता है। और सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देती हूँ, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को आप ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का विकास फैलोपियन ट्यूब तक उतना ही होगा जितना भी फैलोपियन ट्यूब होगी, उसके बाद बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो प्लेसेंटा है उसका, वो डेवलप नहीं हो पाएगा और बच्चे का आपको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूं तो वो होता है आपका यूनि में इन्फेक्शन या प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन। कभी कभार क्या होता है, प्रेगनेंसी में आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है गंदगी प्राइवेट पार्ट, मतलब आप कॉटन की अंडरवियर्स नहीं पहनते, बाय टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते, उस जो वाइट डिस्चार्ज है उसको क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। और जब जब इन्फेक्शन होता है तो नीचे के प्राइवेट पार्ट में आपको पेन होता है, इसकी वजह से भी आपको कभी ना कभी प्राइवेट पार्ट में पेन महसूस हो सकता है। फोर्थ, अगर मैं बात करूं तो वो है आपका हार्मोन चेंजेस। हार्मोन चेंजेस, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंजेस होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ जाता है। कभी कभार क्या होता है, हार्मोन चेंजेस होने की वजह से आपके पेल्विक एरिया में भी दबाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत हद तक बढ़ जाता है, और बॉडी के कई कई पार्ट में आपके दर्द होते हैं, जहाँ जहाँ बच्चे का विकास हो रहा हो वहाँ पे आपका ब्रेस्ट भी होती है, वहाँ पे आपका क्या नाम है, नीचे पैल्विक पार्ट भी होता है, वहाँ पे आपका यूनि भी होती है। और आपके हार्मोन बढ़ने की वजह से एक और दिक्कत हो जाएगी आपको, कि आपको जो है योनि में सूखापन महसूस होगा। सूखेपन होने की वजह से जब आप रिलेशन बनाएंगे अपने हस्बैंड के साथ, या फिर आप जो है अगर वहाँ पे किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर लगाएंगे, तेल लगाएंगे, कोई भी सोप लगाएंगे, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो वो होता है आपका गर्भाशय का आकार बढ़ना। गर्भाशय का आकार जब जब बढ़ता है, उसमें बच्चे का विकास हो रहा होता है, उसकी वजह से जो आसपास की बॉडी होती है वो आपकी खिंचती है, और गर्भाशय आपका पैल्विक एरिया में होता है, योनि के पास होता है, जिसकी वजह से पैल्विक एरिया खिंचने की वजह से आपको जो है दर्द महसूस होता है, और वो दर्द आपका प्राइवेट पार्ट के दर्द भी कर देता है। तो आपके पेल्विक एरिया के पेन को
इजली योनि के पेन में बदलने में प्रॉब्लम नहीं होती, और वो जो है आपको लगता है कि ये कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो अगर आपके पैल्विक एरिया में गर्भाशय के आकार बढ़ने के बाद पेन होना ऐसा नेचुरल है। और लास्ट में बात करूँ तो वो है बच्चे का आकार बढ़ना। तो बच्चे का आकार बढ़ने से वही मतलब है, बच्चा है वो ओवरी में बच्चेदानी में बढ़ रहा है, बच्चेदानी एकदम नीचे स्टोर होती है। तो जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ेगी वो आपका पार्ट जो है वो आगे आएगा और आपकी वजाइना है वो थोड़ी थोड़ी खुलने लग जाती है, बच्चे की डिलीवरी के लिए वो प्रिपेयर हो रही होती है, और उस खिंचाव में उस बच्चेदानी के खिंचाव में आपको जो है पेन होता है। तो ये तो थे आपके 6 कारण जो आपको मैंने बताया कि जिसके कारण आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं होता कि जब आपको पैल्विक एरिया में पेन हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या घरेलू उपाय है जिसको करके हम पेल्विक एरिया के पेन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे 5 उपाय हैं जिसको करने के बाद आपका जो पेल्विक एरिया का पेन है बहुत ही ज्यादा हद तक कम हो जाता है विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। तो सबसे पहले है व्यायाम करें या योगा करें। आराम करना आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी दुगना काम कर रही होती है, आपको भी चलाना और आपके बच्चे का विकास भी करना। उस समय कई महिलाएं क्या होती हैं अकेली रहती हैं और अपने व्यायाम को इतना टाइम अपने रेस्ट इतना नहीं करती हैं, टाइम नहीं दे पाती हैं अपने आप को, जिसकी वजह से उनके पैल्विक एरिया में पेन बढ़ जाता है कि बच्चे का विकास खड़े वो खड़ी रहती हैं, बच्चे का विकास होता रहता है और दबाव ज़्यादा पैल्विक एरिया में पड़ता है। तो आपको सबसे पहले व्यायाम करना है, उसके बाद अगर आप व्यायाम भी कर रहे हैं आप रेस्ट भी कर रहे हैं तब भी आपको पेन हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी करना है और गर्म पानी से नहा लेना है। अगर आप नहा नहीं सकते तो हल्का सा उसको सेक देना है वहाँ पे, ज़्यादा भी सेक ना दीजिएगा, हल्के हल्का जो नॉर्मल पानी होता है वाटर बॉटल होती है उसको आप हल्का हल्का करके सेक दीजिए, उससे भी आपको कहीं ना कहीं जो दर्द है उसमें राहत मिलती है। उसके बाद मैं बात करूँ तो अपने पैल्विक एरिया में जो है आपको मालिश करनी चाहिए, हल्के हल्के हाथ से आपको मसाज करना चाहिए, हो सके तो जितना नीचे की तरफ आप ऐसे ऐसे करके करें। जैसे आपका ये पैल्विक एरिया है आपको कोशिश करनी है कि आप ये सर्कुलेशन डायरेक्शन में नीचे की तरफ करें, उससे आपके जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल जो है वो एक हद तक स्मूथ होने लग जाएगा और आपको पेन जो है कम होने लग जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो वो है आपका बायो करवट लेके सोना। प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन, सही मात्रा में खाना, ये सब तभी मिलता है जब आप बायो करवट लेकर सोते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो आपको है आज से ही बाई तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। इसके साथ आपके पैल्विक एरिया का पेन तो ठीक होगा होगा लेकिन जो बच्चे की हेल्थ और बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क दिखेगा वो आपका अलग से एडिशनल आप कह सकते हो गेन हो जाएगी जैसे जैसे आप बाई और कन्वर्ट लेके सोएंगे। तो आपको मैंने ये शायद 5 आपको बता दिए होंगे। एक तो है आपका, एक नहीं बताया जो है पैरों के ऊपर बैठना। कई महिला आपने देखी होंगी कि बिल्कुल ही खड़ी रहती हैं बट उनको क्या होता है पैर मोड़कर एक बार बैठना चाहिए, उससे आपका एक तो डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन लेवल अच्छा होता है, आपको जो कब्ज की दिक्कत होती है वो नहीं होती। जितना आप वॉक करते हैं आपको पता है योगा, जितना आप 1 किलोमीटर वॉक करते हैं अगर आप पैरों के बल 5 मिनट बैठ जाते हैं उसकी कैपेसिटी उतनी ही होती है जितना आप वॉक करके वहां से ले सकते हैं। तो आपको पैरों के बल भी बैठना चाहिए। तो ये तो थी आज की वीडियो कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट में पेन हो तो आप ऐसा क्या करें जिससे वो पेन हील हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी होगी आपको समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।